हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का लेसन फिर से कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर है और आज हम करने जा रहे हैं अपने कैलकुलेशन एबिलिटी को टेस्ट। तो मैं दो पोजीशंस इस तरह के लाया हूं जिसमें कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या होगा। कुछ पैटर्न्स का डिस्कशन है और टिपिकल गेम पोजीशंस है। तो मुझे उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग लेसन होगा। तो पहला पोजीशन है, देखिए, ब्लैक टू प्ले। जिस तरह से हमने सीखा है, आप खुद वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर से मैच करना है। तो ब्लैक, देखिए, आप देख ही सकते हो कि एक्टिव तो ज्यादा है और व्हाइट का जो किंग है, देखिए, बैकरैंक वीकनेस है इस पोजिशन में। G2 का स्क्वायर जो है पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस बन सकता है। तो ब्लैक ने, देखिए, ऑब्वियसली सोचा फर्स्ट मूव बिशप G2। अगर रुक G2 करे, जो कि गेम में हुआ, तो ऐसा लगता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। पर ये रुक जो है एफ रुक को ओपन कर देगा हटते ही और बैक रैंक का सिचुएशन बन जाएगा। E1 का रुक उसमें डिफेंडर रह जाएगा। तो ब्लैक ने खेला बिशप G2। पॉइंट ऐसा है कि अगर रुक टेक्स इफेक्ट करे चेक, तो रुक टेक्स इफेक्ट, और अभी आप देख सकते हो व्हाइट किंग के सामने कोई डिफेंडर नहीं है। BD5 चेक का थ्रेट है, BH3 का थ्रेट है और पोजीशन ऑन द स्पॉट लूजिंग है। तो इसके लिए गेम में व्हाइट ने किया रूक G2 और यहाँ पे ब्लैक ने, जैसे मैंने आपको बताया, E1 का रूक डिफेंडर है, उसको डिफ्लेक्ट किया अनएक्सपेक्टेड मूव Qe3 चेक के साथ। ये मूव काफी लोग मिस कर जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ये पोजीशन पूरा सॉल्व कर पाए थे कि नहीं। रूक टेक्स E3, रुक D1 चेक, फोर्स रुक E1 और उसको देखिए क्वीन F1 फोर्स जो है उसको रुक F1 चेकमेट हो जाएगा। तो ब्लैक जो है इस तरह से गेम में जीत गया। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। इसमें भी एक हिडन पैटर्न होगा। आप सबसे पहले देख सकते हो कि ब्लैक का किंग बहुत ही अनसेफ है। तो तरह तरह के Nh7, Ne6 चेक, Qe6, ये सारे मूव्स ध्यान में आ रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम है, Qe1 जो है चेकमेट होने जा रहा है। तो इसके लिए व्हाइट को इधर अभी मूव Nh7 फोर्स करना पड़ेगा या तो कुछ और करना पड़ेगा ताकि Qe6 हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए ऐसा है, अगर Nh7 करे तो आप देखोगे यहाँ पे रुक टेक्स H7 हो जाएगा, क्योंकि Qg8 का देखिए नाइट जो है कवर कर रहा है स्क्वायर, तो Nh7 चल नहीं रहा है। दूसरा है, Qe6 करना चाहता था व्हाइट, पर उसने देखा कि Qe1 चेकमेट है। तो यहाँ पे उसने, देखिए, बहुत ही अच्छा मूव ढूंढा Bb3। दो आइडियाज है Bb3 में। पहला तो देखिए, अगर Qe3 करे तो Qe6 कर सकेगा। ये Qe6 के पीछे आइडिया क्या है हम देखेंगे। और दूसरा, अगर जस्ट क्वीन हिला है Qb5, तो फिर देखिए दूसरा पैटर्न बन रहा है, नाइट Gh7 चेक, रुक टेक्स H7 और Qg8 चेकमेट। देखिए कितना डिफरेंट टाइप का पैटर्न बन गया, जो कि बुक्स में जनरल मेटिंग पैटर्न्स की तरह हम नहीं कह सकते, पर ये आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अब मेन गेम पर चलते हैं। गेम में ब्लैक ने खेला Qe3, उसको Qe6। ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही डिफेंस है, F7 का स्क्वायर वीक था, तो एक ही डिफेंस है Nd8। अगर Kg7 करे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बनेगा, तो Qf7 चेक, King H6। देखिए इसमें मैं मूव सीधा ही बता दे रहा हूं क्योंकि आपका टास्क था कि इसको कैलकुलेट करना, राइट। सो Ng4 चेक, King takes Knight, Qf6 चेक, किंग किस तरह से बाहर आ रहा है, King takes G4, H3 चेक और किंग वापस H5 जाते ही G4 चेकमेट। तो देखिए इंटरेस्टिंग मेटिंग पैटर्न्स बन रहे हैं। अब चलते हैं मेन गेम पर, जिसमें ब्लैक ने खेला Nd8। Nd8 ओनली मूव और यहाँ पे व्हाइट ने फिर से एक, देखिए, पैटर्न फाइंड किया। बहुत ही यूनिक पैटर्न बन रहा है, नाइट से सारे स्क्वायर्स गार्डेड है अभी, तो Qf7 चेक, सेमी स्मदर्ड नाइट का आइडिया बन रहा है। ओनली मूव Nt f7 और Nd6 चेकमेट। यह आइडिया काफी लोगों का जो है मिस हो जाता है। दोनों ही पोजीशंस वैसे तो इजी थे, पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि वीकनेस को पहचानना और जो अभी तक हमने सीखा है वो टेक्निक्स को यूज करके पोजीशन को सॉल्व करना। तो क्या आप ये पोजीशंस को पहले से सॉल्व कर पाए थे और आपको ये कितना डिफिकल्ट या इजी लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।